हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे एंड आप सबकी स्टडी भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों, यार सो के उठ चुका हूँ एंड सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी क्या टाइम हो रहा है अपने आईपैड में। तो 9:59 हो रहे हैं और अभी हमारी हॉलीडे चल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो क्रिसमस और न्यू ईयर की जो हमारी हॉलीडे हो गई थी, अब हम जो है वो मंडे के दिन से जाएंगे पढ़ने के लिए। व्यू देख लेते हैं कुछ इस तरीके का आज का मौसम हो रहा है। बादलों की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी हल्की हल्की बारिश ही पड़ी है। बट एनीवे, चलते हैं अभी रेडी होने के लिए। रूम का लाइट मैं कर देता हूँ अपना ऑन। पिछली वीडियो में आपने काफ़ी सारे कमेंट्स किए थे जिनके इस वीडियो में मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। एक कमेंट ये था, विच कंट्री इज़ दिस नाइस व्यू। तो कुछ लोगों को तो यही नहीं पता है मैं अभी कौन सी कंट्री में स्टडी कर रहा हूँ। तो मैं जिस कंट्री में स्टडी कर रहा हूँ उसका नाम है सर्बिया, जो कि हमारे यूरोप में लगता है। और काफ़ी सारे लोगों को जो है जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ उसका नाम भी नहीं पता है, जबकि मैंने पिछली वीडियो में भी मेंशन किया था यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ क्रागोजुबेक, जो कि एक यहाँ की सिटी है, सर्बिया की एक सिटी है क्रागोजुबेक। एक भाई कमेंट कर पूछ रहे थे कि ब्रो फीस कितना लगा 6 ईयर का? तो इस यूनिवर्सिटी का जिसमें मैं हूँ इसका पर ईयर का जो है वो 5,000 यूरो पर ईयर का है, एंड वो जो है मैं सेमेस्टर वाइज जमा करना होता है 25,000 पर सेमेस्टर। और बाकी फीस स्ट्रक्चर की डिटेल के बारे में मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो फाइनली दोस्तों, ब्रश एंड फेस वॉश करने के बाद मैं अभी एकदम फ्रेश हो चुका हूँ एंड अभी चलते हैं किचन की तरफ एंड थोड़ा सा ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं। तो चलिए यार चलते हैं। तो समीर भाई यहाँ पर जो है वो हमारे सैंडविच बना रहे हैं, ये ऑलमोस्ट सैंडविच बनाना सीख चुके हैं। तो देख सकते हो किस तरीके से सैंडविच बना रहे हैं, धीरे धीरे ये काम करना सीख जाए। एंड यहाँ पर जो है इन्होंने कॉफी बना ली है ऑलरेडी, देख सकते हो सऊदी अरब के यहाँ पर कप में रखी है कॉफी। और कुछ लोग जो है वो कमेंट्स कर रहे थे वेदर के बारे में यहाँ के, तो अभी फिलहाल का आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, यहाँ पर अभी फिलहाल का 10 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है एंड हल्की हल्की बारिश पड़ रही है यहाँ पर, तो मतलब हल्की हल्की पड़ चुकी है। इसको बंद कर देता हूँ मैं, क्योंकि खिड़की खोलने के बाद एकदम से ठंड अंदर आ जाती है। एंड फाइनली अपना ब्रेकफास्ट हो चुका है रेडी, तो चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद वापस आ चुका हूँ मैं अपने रूम पर एंड चलिए यार अपना स्टडी सेशन स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं अभी दिखा देता हूँ क्या टाइम हो रहा है। तो 11:19 हो चुके हैं एंड करते हैं अपना स्टडी सेशन स्टार्ट। तो अभी मैं बता देता हूँ इस यूनिवर्सिटी की एजुकेशन ऑफ क्वालिटी के बारे में। तो काफ़ी सारे पूछ रहे थे कि यार भाई इसमें इंग्लिश में होती है, सर्बियन में होती है, किस कौन सी लैंग्वेज में होती है? तो भाई यहाँ पर जो पढ़ाई होती है वो सारी इंग्लिश में होती है, क्योंकि और कंट्रीज से भी लोग आते हैं, ईरान से यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, अफ्रीका से हैं, इंडियन भी हैं कुछ, और कुछ सर्बियन भी हैं। तो सारे बच्चे जब एक जगह बैठते हैं तो वो जो मतलब टीचर्स जो हमें पढ़ाते हैं वो सारा इंग्लिश लैंग्वेज में ही हमें पढ़ाते हैं। और टीचर्स जो इंग्लिश बोलते हैं उनका एक्सेंट जो होता है वैसा नहीं होता है जैसे हम सोचते हैं, जैसे अपने इंडिया में सोचते हैं ना कि अंग्रेज बोलते हैं हमें अंग्रेजी वो समझ नहीं आती है, उस तरीके का नहीं होता है। होता है पर उनकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है टीचर्स की वो ऐसी होती है कि आप अगर को आपको इंग्लिश समझ आती है ना तो आप समझ सकते हो। एक भाई कमेंट कर बोल रहे थे कि भाई आप तो हिंदी मीडियम में पढ़ाई करते थे, अभी फिर इंग्लिश मीडियम में कैसे पढ़ाई कर रहे हो? तो भाई अगर आपको MBBS करना है तो इंग्लिश में तो पढ़ना पड़ेगा ही। मैं जब अपनी नीट की प्रिपरेशन करता था हिंदी मीडियम से, तो आपने अगर मेरे पिछले ब्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा मैं बायोलॉजी जो है वो फिर भी उस टाइम भी इंग्लिश में ही पढ़ता था, क्योंकि मेरे को पता यार MBBS करना है तो इंग्लिश तो मैं तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो उस टाइम भी मैं बायोलॉजी इंग्लिश में ही पढ़ता था। एक भाई ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था कि आप यूरोप से MBBS कर रहे हो तो आपको क्या FMG का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा? तो भाई FMG का एग्जाम तो सबको ही देना पड़ेगा, चाहे यूरोप से करो, इंडिया से करो। अभी जो ये वाला बैच जो चल रहे हैं MBBS के, जो अभी फाइनल कर रहे होंगे वो तो FMG देंगे, लेकिन जो ये हमारा वाला बैच चल रहा है हमको जो है वो नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा। भले ही कोई बंदा एम्स से कर रहा हो या फिर कहीं से भी कर रहा हो, A to Z, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, एब्रॉड हो, सबको ही अब तो नेक्स्ट का एग्जाम देना ही देना है। और मेरा मेन रीजन भी यही था यहाँ एडमिशन लेने का, क्योंकि यार मैंने सोचा अब तो सबको नेक्स्ट का एग्जाम देना ही है, तो मैंने सोचा इस बार एडमिशन ले ही लिया जाए। एक भाई बोल रहे हैं कि वहां पर आपको पानी खरीद कर ही पीना पड़ता है क्या? तो हाँ यार, हम तो पानी खरीद कर ही पीते हैं, क्योंकि ये वाला जो अपार्टमेंट में पानी आता है नॉर्मल टैंक का पानी होता है, तो इस वजह से। एक भाई और पूछ रहे थे कि आप कहाँ से MBBS कर रहे हो, और किसी ने नीचे आके रिप्लाई भी किया है कि भाई सर्बिया यूरोप। तो काफ़ी सारे लोग यार मदद भी करते हैं कमेंट्स में आके, कोई अगर किसी को कुछ पता होता है तो वो उनको आके बता देते हैं। सो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा यार दिल से थैंक यू, क्योंकि मेरे को जो इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर पाऊँ, जिन कमेंट्स का मुझे लगता है कि हाँ इनका रिप्लाई करना चाहिए, तो उनको मैं वीडियो में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि वो चीज़ सब लोगों को पता चल पाए। एंड एक कमेंट ये है कि ब्रो शो योर हॉस्टल एंड जिम ऑल्सो। तो मैं तो बेसिकली अभी हॉस्टल में नहीं रहता हूँ मैं, क्योंकि मैं तो अपार्टमेंट में रहता हूँ एंड जिम मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया है। तो देखो जिम का अगर रहेगा, जिम तो वैसे हमारे पास में ही है, आप बोल रहे हो तो मैं किसी वीडियो में आपको दिखा दूंगा,
और हॉस्टल का जो लोग हॉस्टल में रहते हैं पहले मेरे को उनसे बात करना पड़ेगा। इफ़ अगर पॉसिबल होगा वीडियो बनाना तो मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा हॉस्टल का भी, किस तरीके का यहाँ का हॉस्टल होता है। और एक भाई बोल रहे थे कि प्राइवेट में एडमिशन लिए हो, तो नहीं भाई मैंने प्राइवेट में एडमिशन नहीं लिया है, मैंने अब्रॉड में एडमिशन लिया है और हमारी वाली यूनिवर्सिटी जो है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और काफ़ी सारे कमेंट्स ये आ रहे थे कि भाई इंडिया में आप कहाँ से हो, तो मैं यूपी से हूँ, यूपी मुरादाबाद। वैसे हमारा विलेज जो है वो अमरोहा में लगता है, यूपी 23, और मुरादाबाद भी पास में ही है और संभल भी हमारे पास में ही है। कोई यहाँ से आसपास से है तो यार कमेंट करके बताओ, मुझे भी तो पता लगे कि मुरादाबाद, अमरोहा या फिर संभल वाले मेरी वीडियोस देखते हैं या नहीं देखते। सो, अगर अभी के टाइम की बात की जाए तो 2:38 हो रहे हैं एंड अभी हम जो है वो जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि हमारा जो है वो हम हफ्ते में एक बार मार्केट जाते हैं और सारा सामान जो है वो एक ही बार ले आते हैं, सब्ज़ी वगैरह जो भी हमें लाना होता है। और जैसे दूध वगैरह हुआ ये तो हम डेली भी लेके आ जाते हैं, लेकिन जैसे सब्ज़ी हुआ, आलू हुआ, प्याज हुआ, और यहाँ पे बंद गोभी वगैरह मिलती है वो अभी मैं दिखाऊंगा। ये हमारे रूम के जस्ट पास में ही है बिग फैशन, सारी सब्ज़ी वगैरह जो है वो इसी के अंदर भी मिल जाती है, क्लॉथ्स वगैरह, मतलब सारी चीज़ें। मार्केट जो इसमें ऐसा जैसे मॉल होता है ना, उसी के अंदर एक सब्ज़ी की मार्केट होती है, वो वहाँ से हम सब्ज़ी वगैरह खरीद कर लिखाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा, यहाँ का जो ट्रैफिक सिस्टम है ना वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अगर जैसे ट्रैफिक है और कोई कार आ रही है वहाँ से, अगर आपने एक कदम रोड पर रख दिया है तो गाड़ी जो पहले ही रुक जाएगी, तो यार ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई यहाँ की। अभी मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से ये टैक्सी है यहाँ की, पिंक कलर की, पिंक टैक्सी के नाम से ही है। तो रोड क्रॉस हमने कर लिया है एंड चलते हैं बिग फैशन के अंदर। तो ये है इस मॉल के अंदर आइडिया सुपर मार्केट, यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह और ब्यूटी प्रोडक्ट, बहुत सारी चीज़ें, पानी वगैरह, चिकन वगैरह जो भी आपको लेना है खाने पीने का, और ब्यूटी का भी सारा सामान मिल जाता है। यहाँ पे सेब जो है वो काफ़ी सस्ता मिलता है, तो हमने सेब वगैरह भी ख़रीद लिया है। एंड देख सकते हैं टमाटर है, बंद गोभी है, इनके प्राइस भी देख सकते हैं कैसा है। और यहाँ पे जैसे आपने कोई भी सब्ज़ी खरीदी है तो उस पर स्टिकर लगाना पड़ता है, और सब्ज़ी के ऊपर जो भी उसका नंबर होगा ना कि ये सब्ज़ी इतने नंबर पे है, इतने नंबर आप दबाओगे तो उस सब्ज़ी की वो निकल जाएगा QR कोड, और उससे स्कैन करके जो है वहाँ पे आपका बिलिंग हो जाएगी। तेल यहाँ पे इस तरीके का दे रखा है। यहाँ ब्यूटी प्रोडक्ट तो आपको यहाँ पे एक से एक ज़बरदस्त मिल जाएंगे, डब का भी यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो फीमेल की ज़्यादा है। तो फाइनली दोस्तों सब्ज़ी वगैरह खरीद कर जो बाहर आ चुके हैं, बाहर निकल कर देखा तो कुछ इस तरीके का मौसम हो रहा है एंड सामने की तरफ दे रखे हैं पहाड़। मौसम यहाँ पर कभी कभी जो वो कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त हो जाता है। और हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको मेंशन करना चाहूँगा, यहाँ पर विंटर के क्लॉथ्स जो है वो काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, उतने सस्ते भी नहीं मिलते हैं लेकिन बढ़िया क्लॉथ्स होते हैं और अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर विंटर कई ज़्यादा रहता है। तो अभी वापस आ चुके हैं अपने रूम पर, सब्ज़ी काट कर वगैरह हमने दे दिया था, हिमांशु सर ने बनने के लिए रख दिया है एंड सब्ज़ी बनने के बाद सब्ज़ी हमने इसमें कर दी थी। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, खुशबू कुछ ज़बरदस्त आ रही है सब्ज़ी में से। तो ये सब्ज़ी हमने बनाई है, आलू गोभी है, और इसमें हमने चावल बनने के लिए रख दिया है। तो फाइनली दोस्तों सब्ज़ी वगैरह बन चुकी है। टेस्ट की बात की जाए तो वो एक नंबर था, क्योंकि हमारे सर ने बनाया था तो टेस्ट को तो कुछ कह ही नहीं सकते। उसके खाना खाने के बाद जो है वो वापस आ चुके हैं अपने रूम पर एंड इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके आगे का ब्लॉग आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा एंड इसकी रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछना रहेगा तो आपको इंस्टाग्राम ID मेरी यहाँ पर मिल जाएगी, लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड चलते हैं यार, फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।